बायर का वैलम आपको एक नए दौर में खुशामदीद कहता है, जहां आप जानेंगे कि आप नेमाटोड और उनसे होने वाले नुकसानात से किस तरह महफूज रह सकते हैं। फसल से ज्यादा मयारी और भरपूर पैदावार का हुसूल सिर्फ वैलम के सही तरीका इस्तेमाल से ही मुमकिन है। वैलम को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप आबपाशी के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए वैलम को इस्तेमाल करना और भी आसान है। लेकिन पहले हम कामयाब नताइज के लिए कुछ जरूरी इकदाम का जायजा ले लें। ड्रिपर्स का पौधों के करीब होना जरूरी है, लिहाजा हम तजवीज करते हैं कि एक पौधे के साथ एक ड्रिपर रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम ड्रिपर्स का बहाव यकसा हो। जब आप इस बात का जायजा ले लेते हैं कि ड्रिप इरिगेशन की लाइनें जरई जहर के इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं, तो आप वैलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलम के इस्तेमाल से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि फसल वत्तर की हालत में हो, जिससे वैलम का मजीद असर जड़ों तक पहुंच जाएगा। वैलम को ड्रिप इरिगेशन के जरिए इस्तेमाल करने की सूरत में इस बात का ध्यान रखें कि पौधे के इतराफ जड़ों में अच्छी तरह फैल जाए। वैलम के इस्तेमाल के बाद 2 से 3 दिन बाद फसल को मजीद पानी दें, ताकि जहर जड़ों तक पहुंच जाए। आपने वैलम इस्तेमाल करके अपना काम मुकम्मल कर लिया है और अब आपकी फसलें नेमाटोड और उसकी वजह से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहेंगी।